हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अभी बज रहे सुबह के 7 और मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे। मैं चाय बना कर लेके आ गई, रूम में बैठे बैठे मैं चाय पी रही थी और बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं क्योंकि आज इनकी है स्कूल की छुट्टी। और अगर बारिश का मौसम होता तो सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता, सोते रहो और सुबह सुबह और ज़्यादा नींद आती है ठंड की वजह से। और चाय वगैरह पी के बाहर गई तो देखा बाहर हो रही है बारिश और घर के सामने पहाड़ है, तो मैंने देखा कि पहाड़ भी इस वक्त धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत और मौसम भी हो रखा है। और ये मैंने लगवाई थी तोरू और लौकी का बीज उगाया तो इतनी बड़ी आ गई। और उसके बाद मैंने देखा कि बारिश तो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर मैं चली गई मेरी रसोई में और आटा गूंद के तैयार किया और फिर बनाई मैंने बाटी। और आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ही दाल और बाटी। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो टिफिन तो डालना नहीं है, तो बच्चों ने बोला थी रात को ही कि मम्मी सुबह दाल और बाटी बना देना, तो मेरे बाटी सीख रहे हैं। दाल मैंने बना के रेडी कर ली और बाटी। अभी एक हाउसवाइफ की कहानी कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वही काम होते हैं सुबह से शाम तक रोज़ के, तो इसीलिए रोज़ ब्लॉग भी नहीं बना पाते क्योंकि लोग भी देख देख के बोर हो जाते हैं कि वही होता है। बाहर तो हम जा नहीं सकते, बाहर फ़ोन उठा के जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं फ़ोन उठा के, पता नहीं, तो बाहर जा भी नहीं सकते। और अंदर का तो यही है रोज़ का काम कि वो सुबह से शाम तक का रूटीन दिखाओ। और फिर मैं आ गई बाहर, बारिश हो रही थी तो सोचा आज छत को भी क्लीन कर ही लेती हूँ, तो मैंने छत को क्लीन कर लिया। उसके बाद कपड़े भी धो लिए, नहा भी ली और जो कल वाले कपड़े थे उनको मैंने पंखे की हवा में सुखा दिया। मेन तो बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म होता है वो जल्दी से नहीं सूखे तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो मैंने जल्दी जल्दी उनको उस पंखे की हवा में सुखाया। फिर मैंने एक बोतल लिया और उसके बहुत सारे छेद किए क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है तो हम भी कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने बच्चों को दोपहर में बैठे बैठे थोड़ी देर पढ़ाई करवाई। मंडे को बच्चों के आ रहा टेस्ट, तो ये भी ज़रूरी होता है कि घर के काम का साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। फिर दोपहर में हम तीनों ने खाया खाना, खाने में सुबह वही था दोपहर सुबह वाला जो सुबह बाटी बनाया था, तो ज़्यादा बना दिया वही खा लिया। फिर मैंने कपड़ों की आयरन क्योंकि सूखते ही नहीं है स्कूल के सूखे नहीं, तो उनको आयरन कर दिया।